एग्जाम्पल नंबर 7 प्रोबेबिलिटी का है 12th मैथ्स आरबीएससी चैप्टर नंबर 16 में। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है बहुत टफ होगा। पहले तो ये सोच लो कि क्वेश्चन का टफ होना या इजी होना ये हमारे सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होगी क्वेश्चन उतना ही सिंपल रहेगा। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर क्रैक करना है ना तो जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा अपने सामने इवेंट होती भी इमेजिन कर लो तो अपने आप हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एक बैग है जिसके अंदर 10 व्हाइट बॉल्स और 15 ब्लैक बॉल्स है जिसके अंदर बैग के अंदर बैग पैक किया हुआ है। इसके अंदर से 2 बॉल निकाली है लेकिन निकालने का तरीका समझना पड़ेगा। इसने कहा कि एक के बाद एक निकाली है ना, एक के बाद एक निकालने का मतलब है और साथ में एक वर्ड और दे रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब वापस नहीं रखी गई है। ये किसका सबका मतलब क्या है उसको देखो। इवेंट कैसे हो गई है एक ब्लैक पूरा पैक है उसके अंदर 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल्स है। टोटल बॉल कितनी है 25 ये फिक्स हो गए। अब उसके अंदर हाथ डाला है ना बैग के अंदर और एक बॉल निकाली निकाल के देखी व्हाइट है या ब्लैक है ऑब्जर्व किया उसको साइड में रख दिया वापस बैग में नहीं डाला है साइड में रखा है इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट बॉल निकाली है और फिर ऑब्जर्व किया है कि कौन सी है व्हाइट है या ब्लैक है और उसके बाद भी इस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करो ये पूरी इवेंट समझ लो ढंग से हुई कैसे। इसको बोलते हैं अपन एक के बाद एक निकाला। दो बॉल तो निकाले लेकिन दोनों साथ नहीं निकाली है एक के बाद एक निकाली है। पहले एक को देखा है निकाल के फिर साइड में रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है साइड में रखा है फिर उसके बाद में इस साइड में अपने विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहली बॉल जो आई ना उसका इफेक्ट दूसरी पे पड़ेगा यानी कंडीशन हो गई कि पहली बॉल अगर व्हाइट हुई है या ब्लैक हुई है उसका इफेक्ट दूसरी पे पड़ रहा है यानी इसको कंडीशनल के रूप में लेना पड़ेगा हमारे। अब आप इसमें देखो सबसे पहले ए ए का मतलब हो गया गेटिंग फर्स्ट बॉल व्हाइट पहली बॉल है व्हाइट क्वेश्चन में बोल रहा है पहली व्हाइट बॉल आने के चांसेस और दूसरी ब्लैक पे मांग रहा है वो तो गेटिंग सेकेंड बॉल ब्लैक ये क्वेश्चन से मिला है ना अभी तो फिक्स हो गया। अब आप इसमें देखो दोनों ही होमे इवेंट होनी चाहिए तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कितने चांस है दोनों होनी चाहिए मतलब इंटरसेक्शन लगेगा ए इंटरसेक्शन बी पहली बार व्हाइट आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी फिर दूसरी भी मेरे को क्या चाहिए ब्लैक चाहिए तो हमारे को क्या चाहिए अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है ध्यान रखें विदाउट रिप्लेसमेंट है दूसरी बार ब्लैक बॉल आएगी जबकि पहली बॉल व्हाइट आ चुकी है यानी ये काम पहले हो चुका है उसके बाद ब्लैक आने के चांसेस पूछे इसमें ऐसी कंडीशन है। अब ऑब्जर्व करो पहली बार में ए ए का मतलब क्या है व्हाइट बॉल डिमांड है तो इसमें देखो व्हाइट कितनी है 10 है तो 10 तो फेवर के फेस हो गए टोटल कितनी है 25 इनटू अब एक बॉल निकाल के साइड में रख दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट है निकाल के साइड में रख दिया है तो आप सोचो इसमें पहली बार कौन सी बॉल मांगी थी ए का मतलब क्या व्हाइट बॉल इसमें से व्हाइट बॉल निकल गई तो नेक्स्ट केस कैसा हो गया हमारे पास में व्हाइट बॉल निकल गया कितनी बॉल है 9 व्हाइट हो गई है ना और ब्लैक में कोई कमी आई नहीं ब्लैक तो अपने अंदर ही है तो अब इस केस में क्या हुआ टोटल बॉल्स कितनी है 24 और ब्लैक कितनी है इसमें 15 सिंपल है ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब निकालो ना बैग में से तो बिकॉज एक बॉल तो कम हो गई ना लेकिन कम कौन सी हुई व्हाइट पहली बार व्हाइट चाहिए तो व्हाइट कम हो गई ना तो अब ब्लैक तो उतनी है ब्लैक के चांसेस कितने आने के 15 रहेंगे लेकिन टोटल बॉल एक तो कम हुई क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है उस बॉल को बाहर रख दिया है तो टोटल बॉल अब कितनी उस बैग के अंदर अवेलेबल 24 बॉल है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो 5 से 5 3 जा और ये कितना होगा 5 जा और 5 2 2 से ये 3 बन जा 3 और ये 3 4 जा 12 यानी 1/4 1/4 इसका आंसर आ जाएगा ये इसका यानी कि पहली बार जो पहली बॉल निकाली वो व्हाइट होना और फिर उसके बाद में उसको दूर रख देना विदाउट रिप्लेसमेंट फिर नेक्स्ट टाइम जो है सेकंड बॉल जो निकाल रहे हो ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है पहली बार व्हाइट और दूसरी बार ब्लैक होने की चांसेस जो है वो कितने 1/4 है और ध्यान रखें विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन थी इस कंडीशन आंसर कितना निकला 1/4। ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई ऐसे इवेंट को अपने सामने होती भी इमेजिन करें
है ना, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।